वर्तमान प्रदेश सरकार सभी सरकारी स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा अनेक पग उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है। वहीं स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों को बेहतर व गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध हो सके। ये जानकारी तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने घुमारवी में आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा घुमारवी में क्लस्टर लेवल वार्षिक पारितोषिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए दी। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा व खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के अलावा समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि क्लस्टर बनाने का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा में निखार लाना है। उन्होंने कहा कि बच्चों को छोटी आयु में सीखने की उत्सुकता बहुत अधिक होती है, जिसे निखारने की अध्यापकों को आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बड़े आयोजनों से बच्चों को एक्सपोजर मिलता है तथा बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। राज्य सरकार द्वारा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बनाई जा रही है। अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जिसमें शिक्षा में सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा विद्यार्थियों की स्मार्ट यूनिफॉर्म का फैसला SMC और स्कूल प्रबंधन करेंगे। पीछे यही उद्देश्य था कि क्लस्टर में हमारे जैसे इसमें 3 हाई स्कूल थे, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 2 मिडिल स्कूल और 1 सेंट्रल प्राइमरी स्कूल। जो छोटे स्कूलों के बच्चे हैं, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के, उन बच्चों को एक बड़ा एक्सपोजर इसमें जो है देने की कोशिश की है, क्योंकि जो हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ मारवी स्कूल के बच्चे हैं, इनके द्वारा अच्छी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ म्यूजिक टीचर भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर भी हैं और एकेडमिक्स में भी बच्चे एक दूसरे प्रतिस्पर्धा कर सकें। हालांकि जो हाई स्कूल के हमारे जैसे चुवाड़ी के टिकरे डाके स्कूलों का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वहाँ म्यूजिक टीचर नहीं है, कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर नहीं है, उसके बावजूद भी अच्छा जो है प्रदर्शन उन्होंने किया है। हमारे इसके पीछे मंशा यही थी कि बच्चे जितना एक दूसरे से बेहतर सीखते हैं उससे ज़्यादा कोई और तरीका उनको टीचिंग का नहीं हो सकता। तो इस कार्यक्रम को जो है सभी स्कूलों के बच्चों ने बड़ी चढ़कर भाग लिया, टीचर्स ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई और जितने हमारे SMC के पदाधिकारी हैं, अभिभावक गण थे, सब ने जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो छोटे बच्चों से उनको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा, उन्होंने इसको बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे तरीके से दूसरे बड़े स्कूलों के बच्चों से, बड़े बच्चों से जो है उनको सीखने का मौका मिला। वो मनोरंजन के साथ सीखना जो है, ये मैं समझता हूँ एक अपने आप में एक बड़ा सुखद बात है। और उसी तरीके से एकेडमिक क्षेत्र में भी, क्योंकि जब एक स्कूल में हो सकता है बच्चा 80% लेके भी टॉपर है, लेकिन जब उसको देखने को मिलता है कि अन्य स्कूलों में बच्चों के मार्क्स जो है 90% से ऊपर भी 10 बच्चे हैं, 95% तक के बच्चों के मार्क्स हैं, तो वो उनमें एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है कि हम इस तरह से बने। उसी तरह स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में भी जब यहाँ पे जैसे देखा कि बच्चों ने नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म किया, नेशनल लेवल पे भी उनको प्राइजेज मिले हैं, तो बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा की बात है। बैंड की, अब बैंड की सुविधा छोटे स्कूलों में नहीं है, तो यहाँ पे जो है बैंड जो पार्टी यहाँ तैयार है और जो बच्चे गर्ल्स स्कूल की, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो जो हाई स्कूल मिडिल स्कूल के बच्चे उनके लिए एक बड़ा अलग तरह का एक्सपीरियंस ये इसके माध्यम से जो है उनको दिया गया है। क्योंकि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, उनको बच्चों को एक्सपोजर मिल सके, और एक्सपोजर तब मिलेगा जब हम उनको दायरे से बाहर निकाल के दुनिया को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो छोटा सा प्रयास था और जैसे फीडबैक बच्चों की मिली है, अभिभावकों को मिली है, अध्यापकों की मिली है और खुद मैंने भी देखा है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत सफल रहा।